खबर शामिल करते हैं रजाक आबाद से, जहां कायम गवर्नमेंट गर्ल्स लोअर सेकेंडरी स्कूल खस्ता हाली का शिकार है। कमरों की छतें गिरने लगी हैं। गुज़िश्ता कई सालों से असाज़ा की कमी तालबात की कसीर तादाद को एक उस्ताद पढ़ाने पर मजबूर है। मजीद तफसीलात जानते हैं सी एस सज्जाद अली की इस रिपोर्ट में। हुकूमत दावाएं करती आ रही है कि मुख्तलिफ जो स्कूल हैं और तालीमी मैदान में जो है सिंध हुकूमत ने तारीखी काम किए हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली तौर पर मलीर के स्कूलों सिंध के स्कूलों को देखा जाता है तो उनमें किसी किस्म की कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रजाकबाद में, गर्ल्स स्कूल है लोअर सेकेंडरी, जो कि गुज़िश्ता कई बरसों से जो है यहाँ के असातज़ा हैं, यहाँ के सिविल सोसाइटी के लोग हैं, यहाँ के शागिर्द हैं, वो मुसलसल एहतजाज करते आ रहे हैं। उन्होंने यही कह रहा है कि यहाँ पे जो है असातज़ा की कमी है, बिल्डिंग जो है वो जो है खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। कई बार यहाँ के सिविल सोसाइटी के लोगों ने, समाजी लोगों ने यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन ताहाल उनके मसाइल जो हैं हल नहीं किए जा रहे। आइए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असातज़ा, मौजूद हैं असातज़ा के साथ साथ सोशल वर्कर हैं यहाँ के, वो मौजूद हैं, शागिर्द मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर असि टीचर्स खन सर असे मेहरबानी कर स्कूल के अपग्रेड करेंगे स्कूल की जरूरत असि इलाई शय की जरूरत है असूल के चौकीदार पियोन ये खपन सर स्कूल के फर्नीचर दिनों होंगे सर मेहरबानी कर स्कूल के अपग्रेड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेशमा है, मैं सातवीं जमात में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल की बिल्डिंग खस्ता हालत में, ना वॉशरूम है, ना पानी का इंतजाम है, ना टीचर्स है और ना 9-10 की भी सहूलत यहाँ पर मौजूद नहीं है। बिल्डिंग खस्ता हालत में है, ये कभी भी गिर सकती है। 9-10 की क्लास स्टार्ट की जाए ताकि हम 9-10 क्लास पढ़ सकें। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट गर्ल्स लोअर सेकेंडरी स्कूल जामकंड रोड रजाकाबाद है। हमारे स्कूल में ना बिजली है, ना पानी है, ना ही टीचर्स हैं और हमारे स्कूल की हालत, हमारे स्कूल की बिल्डिंग पूरी खस्ता हालत में है। बड़ा मेहरबानी हमारे स्कूल को टीचर्स दी जाए। हमारे स्कूल में 9-10 क्लासें भी नहीं हैं, हमारे स्कूल को 9-10 क्लासें भी दी जाए। तो हमारा ये लोअर सेकेंडरी स्कूल रजाकाबाद जो कि काफ़ी अरसे से खस्ता हालत बिल्डिंग पड़ी हुई है, नहीं जहाँ पे टीचर है, स्कूल को अपग्रेड भी दो दफा किया गया है मगर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। कोई ना हमारे जो बच्चे जो 8वीं क्लास पढ़ के बैठ जाती है घरों में, हम खुदा रहा गवर्नमेंट सिंध से अपील करते हैं कि हमारे स्कूल को अपग्रेड किया जाए और उसकी बिल्डिंग को रिपेयर किया जाए। बिल्डिंग की खस्ता हालत बनी हुई है, कभी भी जानी नुकसान हो गया उसके जिम्मेदार कौन होगा। और हम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से और से अपील करते हैं खुदा रहा स्कूल को अपग्रेड किया जाए और आके खुद विजिट करें कि आगे हालत देखें क्या हालत बनी हुई है स्कूल में। स्कूल में टीचर सिर्फ 3 टीचर हैं और स्कूल में कोई पढ़ाई बिल्कुल नहीं होने के बराबर है। जो टीचर न होने की वजह से क्या 2 टीचर क्या पढ़ाएगी बेचारी। तो इसी वजह से हम गुजारिश करते हैं वज़ीर तालीम को और मुराद अली शाह साहब को खुदा रहा स्कूल को अपग्रेड करके उसको मजीद मसला हल किया जाए। वो तो वज़ीर साहब से अपील करते हैं, हमारा स्कूल तबाह बर्बाद है, ना इसमें फर्नीचर है, ना पानी है, ना बिजली है, ना ही स्कूल में उस्ताद हजरात है। हम अपने MP MNO को बता चुके हैं लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। मैं वज़ीर आला और बिलावल से अपील करता हूँ खुदा रहा हमारे बच्चों की तालीम बचाई जाए, हमारे जो सहूलतें नहीं है वो सहूलतें दी जाए ताकि हमारे बच्चियाँ मज़ीद तालीम हासिल कर सकें। गुफ्तगू सुनी है यहाँ के सोशल वर्कर हैं जो है यहाँ के तालबे इल्म हैं, उनके अपनी गुफ्तगू सुनी है। उन्होंने का कहना है कि कई मरतबा यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को भी दरख्वास्तें जमा कराई हैं, मुख्तलिफ बार उनसे मुलाकातें की हैं, रिटर्न में भी उन्हें दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन ताहाल यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो है तालीमी सहूलियात नहीं दी जा रही। यहाँ पर फर्नीचर से लेकर बिल्डिंग तक खस्ता हाल हो चुकी है, असातज़ा की कमी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस स्कूल में तामीराती काम का आगाज़ किया जाए, उसके साथ साथ असातज़ा की कमी को पूरा किया जाए ताकि यहाँ की बच्चियाँ तालीम हासिल कर सकें। कैमरामैन इनायत अली के साथ सज्जाद अली शाह, कराची।